तेलंगाना राज्य से चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी किए जाने की जानकारी मिलने पर चंद्रपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे के मार्गदर्शन में तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बारा साहब खाड़े के नेतृत्व में इस तस्करी का पर्दाफाश किस परिसर से तथा किस प्रकार किया जाने की नजर डालते इस खबर पर। तेलंगाना राज्य से चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी होने वाली है, ऐसी जानकारी चंद्रपुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा टीम को मिली और तत्पश्चात चंद्रपुर पुलिस की एलसीबी टीम तुरंत हरकत में आई और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े के नेतृत्व में एक विशेष टीम तैयार की गई और यह विशेष टीम पिछले कुछ दिनों से इस पर नजर रखी हुई थी और गुरुवार को सुबह के दरमियान राजूरा पुलिस थाने के अंतर्गत सुमटाना जंगल से दो अंतर्राज्यीय गांजा माफियों को एलसीबी टीम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली और उनके पास से अंदाजन 30 लाख रुपए कीमत का 90 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रकांत मुरलीधर त्रिवेदी उम्र 37 वर्ष तथा सागर वाल्मीकि पाजारे उम्र 26 वर्ष यह नाम है। गौरतलब है चंद्रपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना राज्य से बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी की जा रही है, ऐसी गोपनीय जानकारी चंद्रपुर पुलिस को मिली और पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे के मार्गदर्शन में गांजा तस्करी करने वालों के विरोध में विशेष मुहिम चलाई गई, ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े ने। गौरतलब है इसके पहले भी दो अन्य कार्रवाईयों में एलसीबी टीम ने गांजा जब्त किया था। तो सुनिए इस कार्रवाई के संबंध में स्थानीय अपराध शाखा टीम के पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े ने मीडिया को विस्तार पूर्वक क्या जानकारी दी। काही दिवसापूर्वी आम्हाला एलसीबीला एक गोपनीय खबर मिळाली होती की तेलंगणा राज्यामधून काही गांजा माफिया ड्रग्ज माफिया ही मोठ्या प्रमाणावरती गांजा घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये येणार आहेत। त्यानुसार मी एक एलसीबीची एक टीम गठित केली होती, त्यामध्ये मुख्यत्वे करून केमेकर मेजर गणेश भोयर विनोद प्रदीप गोपीनाथ अशी मी 5 लोकांची एक गोपनीय टीम तयार केली होती आणि त्यांना या टीमवरती वर्कआउट करण्याच्या मी सूचना दिल्या होत्या। सदरबाबत त्या टीमने गेले 4 दिवसापासून सुमठाना जंगलामध्ये ठाण मांडून मेहनत करून रात्रंदिवस त्यांच्या पाळत ठेवली होती आणि आज त्या टीमला आमच्या यश आलेलं आहे। तेलंगणा राज्यामधून 2 एका मोटरसायकलवरती साधारणतः 90 किलो गांजा आणि त्यामध्ये अजून विशेषत्व सांगायचे म्हणजे की चारचाकी वाहनाच्या ट्यूबलेस टायरमध्ये सुद्धा भरून त्यांनी गांजा आणलेला आहे। असा आम्ही एकूण 90 किलो गांजा 2 मोटरसायकल हा आम्ही सुमठाना जंगलामध्ये जप्त केलेला आहे आमच्या टीमने। सदरबाबत आम्ही गुन्हा दाखल राजुरा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून आम्ही स्वतः तपास करणार आहोत आणि सदर गांजाची किंमत अंदाजे 30 लाख रुपयाची आहे। यापूर्वी देखील आमच्या एलसीबीने राजुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये या तेलंगणा राज्यातून येणारा 74 किलो गांजा आणि एक वेळेस 8 किलो गांजा ह्या देखील आम्ही जप्त केलेला आहेत आणि आम्हाला त्यानुसार आम्ही ह्या जंगलामध्ये ह्या तेलंगणा बॉर्डरवरून आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जो काही गांजा येतो त्यामुळे आम्ही सतत ह्या जंगलामध्ये पाळत ठेवून असतो आणि वेळोवेळी आम्ही अशा कारवाई करत आहेत आणि सदरचा गांजा हा जो आरोपींनी आणलेला आहे त्याबद्दल आम्ही त्याच्याकडे चौकशी केली, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं आले की सदरचा गांजा आम्ही राजुरा बल्लारशा चंद्रपूर शहर आणि वरुऱ्यामध्ये हे आरोपी वरुरा येथेकडे राहणारे आहेत आणि त्यांचे साथीदारही वरुराचे आहेत। एकूण 4 आरोपींनी हे गुन्हा केलेला आहे आणि ह्या 4 शहरामध्ये हा गांजा वितरित केला जाणार होता। सीटीव्ही के लिए हमारे प्रतिनिधी कृष्ण कुमार के साथ वैभव विहारकर की रिपोर्ट।